दोस्तों, आज हम आपको मैरिज हॉल की जानकारी देने जा रहे हैं और साथ ही साथ उसके प्राइस वगैरह भी बताएंगे और कितना बड़ा है, और वेटर सर्विस के लिए कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बात बता देते हैं। यहाँ पर एक कहाँ पर है ये लॉन्स दोस्तों, ये है पाकिज़ा लॉन्स, रशीदपुरा इसका एड्रेस है और औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सामने से लुक्स इस तरह से आएगा और इसका कितना प्राइस है वो भी आगे बताएंगे, पर बने रहे हमारे साथ दोस्तों। को इस तरह से डिज़ाइन वगैरह है इसका, बाहर का है, अभी अंदर एंट्री करेंगे देखेंगे। अभी दोस्तों पहले पार्किंग का देख लेते, बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कार वगैरह फोर व्हीलर के लिए इतनी बड़ी जगह आपके लिए मिल जाती है, देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी जगह है दोस्तों। फोर व्हीलर के लिए आराम से आप इसमें ले सकते हो क्योंकि इसका नाम ही पाकिज़ा लॉन्स है। जी हाँ दोस्तों, जो रशीदपुरम औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों अभी अंदर की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं अंदर से किस तरह से बनाया और किस तरह से डिज़ाइन वगैरह लुक है इसका। तो दोस्तों ये एंट्री का कुछ रास्ता है तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं दोस्तों कुछ सूर्य के टाइप कुछ डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर है दोस्तों एक लुक। दोस्तों ये काफ़ी होना भी ज़रूरी है, काफ़ी इसमें फुवारे थे पहले तो, जो अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं इसमें फ़िलहाल के लिए पानी वगैरह है। तो चलिए अभी इधर से देख सकते हैं जेंट्स का, ये लेडीज़ का है इस साइड में जो इधर से बनाया है, आप भी बना सकते हैं लेडीज़ के जेंट्स के लिए अलग अलग। तो हम बताएंगे आपको और किस तरह से अंदर से दिखता है। दोस्तों देख सकते हैं अभी अंदर की तरफ आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है दोस्तों। ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये रात में, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेड़ है। जी हाँ, तो ये चाल हो जाता है। और दोस्तों एक उधर भी पेड़ है, वो भी बताएंगे आपको वो कौन से कलर का है। इस जो आपने देखा पहले वो वाइट कलर का था, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी फ़िलहाल के लिए जो पार्टी है वो अपने मन मुताबिक जैसे आपको पसंद है वो डेकोरेशन लगाते हैं, तो उस तरह का ये लगाया गया है, ठीक है। जैसे आप देख लो यहाँ पर ऊपर के कुछ इस तरह से लुक है, डिज़ाइन है। अगर आप जब विजिट करोगे यहाँ पर आओगे पाकिज़ा हॉल रशीदपुर औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया में, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शेड है आपको दिख रहा है ये भी बहुत अच्छा है, जो आपके मन मुताबिक आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ एंट्री की तरफ की बात है दोस्तों। ये पेड़ देख सकते हैं आप, रेड कलर का है, इसमें रेड कलर का लाइट जलेगा, रात में काफ़ी सुंदर लगता है। और शोश आके इसमें और चीज़ें बढ़ा दिए जाए तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आगे अपडेट आएगा वो भी ज़रूर आपको देंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सीढ़ी वगैरह है उसका, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की काफ़ी सुंदर है दोस्तों, और काफ़ी बड़े बड़ी सीढ़ियाँ, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन। और दोस्तों यहाँ पर जो लोग क्या करते हैं जेंट्स का रख देते हैं, जेंट्स में कैसा है छोटे जगह होने के कारण काफ़ी टाइम भी लगता है। तो दोस्तों अब वो लेडीज़ का उधर है, मैं आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसमें इसमें ना रखे भाई, ठीक है, इधर लेडीज़ के लिए रखे। दोस्तों ये है टू व्हीलर पार्किंग जिसमें हम जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए हम टू व्हीलर की तरफ जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर टू व्हीलर के लिए काफ़ी अच्छी बड़ी जगह दी गई है, जिसमें टू व्हीलर के साथ साथ फोर व्हीलर भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है, हम इसे ही कह रहे हैं पाकिज़ा लॉन्स। अगर हॉल कह देंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा क्योंकि इसको लॉन्स ही कहना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप वेज का भी इंतज़ाम कर सकते हैं, अगर आपका वेज का भी थोड़ा अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं, वेज का कोई बाहर का कोई दूसरे लोग के लिए, तो यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। ये वेज के लिए अमोरी वगैरह भी है दोस्तों, ये पीछे का सेक्शन बता रहे हैं, अभी अंदर की तरफ जाएंगे वो भी बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर इस तरह का आपको मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए अब अंदर की तरफ जा रहे हैं हम और आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते आप पानी वगैरह बाहर भी रख सकते, ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अंदर कुछ पानी वगैरह गिरे ना, कुछ फिसले ना, क्योंकि टाइल्स का मामला है इसके लिए। दोस्तों चलिए अब अंदर की तरफ विजिट कर रहे हैं, देख सकते आप अंदर की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी काफ़ी टेबल लगे चुके हैं, काफ़ी बड़े दोस्तों, काफ़ी सुंदर बनाए गए। अगर फानूस वगैरह यानी झूमर वगैरह भी होते तो और भी ज़्यादा, इधर साइड में तो फिलहाल के लिए तो है ही नहीं, लेकिन वो लेडीज़ का सर है तो वो काफ़ी बड़ी जगह में रखा गया है, बनाया गया है। यहाँ का भी कुछ अपडेट बदला होंगे वो ज़रूर आपको इसे हमारे चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हो ऊपर से इस तरह का बने हुआ है और टाइल्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के। दोस्तों लाइट भी बताएंगे आपको, LED लाइट जो दीवार पर अलग अलग मौजूद है दोस्तों, हर दीवार पर आपको दिखेंगे, ठीक है, बहुत ही सुंदर दोस्तों। अब बात करते हैं वेज वॉश की। दोस्तों ये पहले ये वेज की देखिए, आप पीछे से आपको दिखाए थे हमने, ठीक है, कुछ एक गेट है आपको ये चालू कराना है तो चालू करवा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं वेज वॉश जो काफ़ी सुंदर तरीके से बनाए गए, 1 2 3 4 5 वेज वॉश और काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे डिज। दोस्तों यहाँ पर कुछ आईने वगैरह भी है जो काफ़ी और शो। दोस्तों अभी कुछ और लॉन्च आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आपको अपडेट देंगे और कहाँ है कौन से आपको लेना चाहिए क्या प्राइस है साथ ही साथ सब बताएंगे आप। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। चलिए आप दोस्तों आपको प्राइस बता देते दोस्त का, इसका प्राइस पड़ता है लगभग 40,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 40,000 रुपये इसका प्राइस है, आप ले सकते हैं। और ये सबसे बड़ा लॉन्स है
पाकिजा लॉन्स। दोस्तों ये देख सकते हैं इसका रस्सी घर है और काफ़ी ऊंचा है। देख सकते हैं कोई धुआं आपके या हॉल में आएंगे लॉन्स में आएंगा नहीं, जहाँ लोग खाना खा रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत होती ही नहीं। बहुत ही बड़ा लॉन्स है दोस्तों, बहुत बेस्ट हॉल लॉन्स माना जाता है दोस्तों लॉन्स। जी हाँ दोस्तों, ये पीछे की तरफ है, चलिए अंजुमन का भी बता देते हैं दोस्तों। ये पीछे का जो सेक्शन है, जैसे हमने आपको बताया था वेज का, तो इस तरह से यहाँ से भी एक रास्ता है उसको जो आपको मिल जाता है दोस्तों। हम चलो बढ़ रहे या अंजुमन वगैरह मिलता है वहाँ पे बताएंगे आपको, देख लो आप ठीक है। इसी धोने के लिए यहाँ पर दो मोहरी मिलती है आपको, जैसे कि हम वहाँ पे आए थे जो रस्सी घर बन रहा था वहाँ भी एक मोहरी है, वो वेज वो नॉन वेज के लिए ही वेज के लिए ठीक है। ये बाथरूम वगैरह एक है बाथरूम, और दो बाथरूम है लेडीज़ के, वो भी इसमें आगे दिखाएंगे ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये जो है अंजुमन के लिए, काफ़ी अंजुमन नया है इनके पास, और भाई ठीक है बहुत सारा अंजुमन है इनके पास अभी, देख बने रहे हमारे साथ ठीक है। ये इसी फ़िलहाल आपको जेंट्स का बताया था ठीक है, अभी आप जा रहे हैं फिर आपको लेडीज़ का भी दिखाते हैं साथ ही साथ। अभी हमको फिर से घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि वापस आके इतना पूरा विजिट करके बताएं ना, क्योंकि ये पूरा ज़रूरी होता है आपके लिए बताना ठीक है। तो इसका प्राइस भी बहुत अच्छा ठीक ठाक है, इसका लॉन्च के हिसाब से 40,000 रुपये प्राइस है ठीक है भाई, 40,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते कुछ इस तरह की यहाँ जो बनी हुई है ना बॉडी उसमें दोस्तों ये, और दोस्तों काफ़ी है, ये देख सकते पेड़ जैसे कि आपको बताया था ठीक है। चलिए हम जा रहे हैं फटाफट से देख लेते हैं लेडीज़ का सेक्शन दोस्तों। यहाँ पर एक अदर रास्ता इधर से और इधर से, और जैसे आपको बताया उधर पर्दा था उधर से हम इसलिए नहीं लेडीज़ थी इसलिए नहीं बता सके दोस्तों। यहाँ पर देख सकते यहाँ पर जो है ये आगे हम लेडीज़ के यहाँ पे फानस वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह आपको मिलती है दोस्तों, ये सबसे लंबान में बहुत बड़ी जगह है दोस्तों, जो लंबान में काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपको देखो देखने को मिल सकती है दोस्तों। देखिए आप यहाँ भी कोई इस तरह के जो बटना है और लाइट है कोई अलग, इधर डिज़ाइन ही बिल्कुल अलग है लाइटों का, देख सकते हैं आप ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग तरीके लाइट लगे पर वो शेप में कवर अलग है दोस्तों, रात में कुछ इस तरह से दिखने को शो भी मिल जाए दोस्तों, काफ़ी सुंदर लग रहे दोस्तों, बहुत अच्छा लुक देते मतलब डिज़ाइन आता है ये लाइटों का, एलईडी लाइट का काफ़ी सुंदर, देख सकते हैं आप। देखिए आप ऊपर चार पांच फानूस लगे हुए पूरे तरीके से नहीं दिखाया दोस्तों। यहाँ पर विश्वास भी आपको कितने मिलते हैं दोस्तों, सिर्फ 4 विश्वास मिलते हैं, और कि उधर 5 मिले थे आपको, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, और बजट के हिसाब से काफ़ी बेस्ट लॉन्स माना जाता है, 40,000 रुपये इसका प्राइस है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों काफ़ी लाइट काफ़ी सुंदर लग रहे दीवार से, हम आपको बता रहे आप भी देखिए, आप आपको अच्छा लग रहा होगा ये लाइटों के हिसाब से लॉन्स जो पाकिजा लॉन्स है बहुत ही बेस्ट है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें।